हेलो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मयंक प्रकाश। आज हम लोग बात करेंगे, भूगोल का कुछ बेसिक जानकारी है ग्लोब से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। ये सामने जो दिख रहा है आपको, इसके बीचों बीच एक रेखा है जो ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर दो रेखाएं ऊपर, दो रेखाएं नीचे, ऐसे बहुत सारे रेखाएं हैं विषुवत रेखा के समानांतर। इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। अर्थात 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और विषुवत रेखा के नीचे कुल 90 अक्षांश रेखाएं। ओके फ्रेंड्स, अब एक सवाल पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में है। एक सवाल आता है, भारत किस गोलार्ध में है? तो ग्लोब के बीचों बीच खींची गई रेखा 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा के ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। आप साइन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, ये साइड पूर्व होता है, ये पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो अब भूमध्य रेखा में अगर मैप में खोजिएगा भारत को, तो भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से में आपको भारत दिखेगा, जिसको उत्तरी गोलार्ध बोल लेते हैं। और इसलिए अगर सवाल है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं पूरे ग्लोब पर, कुल अक्षांश रेखाएं, तो कुल अक्षांश रेखाएं 180 है। विषुवत रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं हैं और विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इस प्रकार कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 180। ये सवाल पूछा हुआ है, यहाँ से सवाल आता भी है। अब अक्षांश रेखाएं का काम क्या है, क्या करता है अक्षांश रेखाएं? तो अक्षांश रेखाएं से हम लोग दूरी को मापते हैं, दूरी मापा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। तो अक्षांश रेखाओं से हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। ओके, 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा है नॉर्थ साइड में, जिसको कर्क रेखा भी बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ में, जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा से एक सवाल आता है
कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो उसका उत्तर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा के ऊपर एक और अक्षांश रेखा है 66.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और नीचे है 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ओके दोस्तों, ये हमारा भूमध्य रेखा है। इनके माध्यम से ही हम लोग कटिबंध को जानते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, वो हम लोग आगे जानेंगे। आज फिलहाल ये मैप का जो नॉलेज है, जानकारी है, बेसिक जानकारी जो हमको जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी, तो इस प्रकार अक्षांश रेखा से कुल आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त से सवाल आता है, आपको याद रखना होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ओके, अब एक और सवाल आता है कि वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उसे देशांतर रेखा बोलते हैं। ओके, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा है समय ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। देशांतर रेखा का उपयोग समय को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर इस ग्लोब को हम खोल दें तो 0 डिग्री के पूर्व और 0 डिग्री के पश्चिम, पूर्वी और पश्चिमी। एक सवाल और पूछता है कि भारत की स्थिति देशांतर में कहाँ है, तो हम लोग देखेंगे मैप में कि भारत हमारा यहाँ पे है, तो इस प्रकार भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत मिलता है मैप में, इसलिए राइट साइड वाला पार्ट को पूर्वी देशांतर बोलते हैं और लेफ्ट वाले पार्ट को पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, और 0 डिग्री को GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। अब 0 डिग्री के पूर्व साइड में, पूर्वी देशांतर में कुल 180 देशांतर रेखाएं हैं और पश्चिम साइड में 180 देशांतर रेखाएं हैं, तो कुल मिलाकर कुल देशांतर रेखा की संख्या 360। इसी के आधार पे समय का निर्धारण होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे अभी। जैसे 1 डिग्री
देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और अमेरिका में जब दिन होती है तो भारत में रात होती है। ये देशांतर रेखा का अंतर का ही एक परिणाम है। जो दिन और रात अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त होता है, इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं मैप में तो 1 घंटा समय को प्रदर्शित करता है। अब समय इसी आधार पर ज्ञात किया जाता है। भारत में जो मानक समय निर्धारित है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात 5.5 घंटा। कहाँ से 5.5 घंटा? तो 0 डिग्री ग्रीनविच से 5.5 घंटा। पूर्वी साइड जो है वो आगे होगा समय में, और पश्चिमी साइड हमारा पीछे होगा। जैसे अगर ग्रीनविच पे दोपहर का 12 बज रहा है तो भारत में 5.5 बज रहा है। अब इसको कैसे निकाले 5.5 घंटा? तो हम लोग यहाँ देखते हैं 82.5 डिग्री को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 82.5 × 4, चूँकि 1 डिग्री 4 मिनट का होता है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो 5 घंटा 75 डिग्री और आधा घंटा 7.5 डिग्री, कुल मिलाकर 82.5 डिग्री। इसलिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा का अंतर पे है, यानी 5.5 घंटा आगे है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।